वाटर सो क्लीन इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर सो ये जो वाटर क्लीनड है इसको हम लोग क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं ये फिगर एटीन पॉइंट फाइव में दिखा रहा है वाटर क्लैरिफायर ओके सो लेट्स रीड फर्दर द स्लज इज़ ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाई एरो बैक्टेरिया जो स्लज होता है उसको सेपरेट टैंक में सेंड कर दिया जाता है जहाँ पे वो डिकम्पोज किया जाता है बाई एरोबिक बैक्टीरिया से द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल और इस प्रोसेस में जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इस बायोगैस को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एयर इज़ पम्पड इन टू द क्लैरिफाइड वाटर सो जो एयर होता है उसको पम्प करते हैं वो क्लेयर वाटर में टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो ताकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकें बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर जाते हैं फूड वेस्ट सोप्स एंड अदर अनवांटेड माटर स्टिल रिमेन इन क्लैरिफाइड वाटर सो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन वेस्ट फूड वेस्ट सोप्स और अदर अनवांटेड वॉन्टिड पानी में फिर भी रहते हैं क्लैरिफाइड वाटर के ओके सो वी आर रीडिंग फर्दर which इज़ आफ्टर सेवरल hours द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट बॉटम ऑफ द टैंक as एक्टिवेटेड sludge तो so, कुछ घंटों बाद जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं टैंक के बॉटम में जैसे एक्टिवेटेड स्लच की तरह ओके दैन वाटर इज देन रिमूव फ्राम द टॉप ऑफ इज साफ पानी सबसे ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है

रिटर्निंग ऑर्गेनिक माटर एंड न्यूट्रेंसल सॉइल और ये जो ड्राइड स्लज है ये कैसे यूज़ किया जाता है एज अ मेन्योआर भी यूज़ किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिक माटर को रिटर्न कर पाए सॉइल में ठीक है द ट्रीटमेंट वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड माटर सो ये जो ट्रीटेड वाटर जो होता है इसमें बहुत कम लो लेवल का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और सस्पेंडेड माटर जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो ठीक है So, we'll be studying further in our next video. I request you all, if you have any doubts or queries, you can write that in the comment section below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.